जय हिंद बंधुरा, आशा करी सबाई खूब भलो आछो। तो बंधुरा, आज के एक गुरुत्वपूर्ण टपिक नहीं आलोचना करते चले। टपिकटर नाम हो रानिंग, आई मिन रानिंग एबिलिटी क्यों इनक्रीज करब तर ही आजकल भिडियो। तो बंधुरा, भिडियो शुरू कर आगे बी जरा चैनल नतून एखार चैनल सबसक्राइब करनी हमारे चैनल सबसक्राइब कर पशे थको। तो देखो बंधुरा, एक भलो रानार होते गले तुम्हें एक प्रसेस फलो करते से हे प्रपार राइटिंग और प्रपार प्रैक्टिस। एज ए बिगिनार तुम जी मोटामुटी 70-80% प्रसेसटा फलो करते पर आशा करी तुम सामने लाइनगुलोते सकसेसफुल होते। देखो हमें तुम्हार समस्या नहीं आलोचना करब। तुम्हार जो समस्या, तुम मठे जाओ, मठे गए 2-3 पाक दौड़ो, 4 पाक दौड़ो, दौड़ने पर तुम्हार भेतर के सपोर्ट करे ना, तुम फिर आसो तो तुम हताश हो पड़ो। और एक साइकोलॉजिकल बेपार हे कि तुम मठे गए देखो तुम्हारे बयसे छोटो ऐले मेरा खूब सहजे रान कर तुम्हें देखे आओ, क्योंकि मेन्टाली पिछले जाओ जो तुम्हार मन है जो अनेक बयसे बड़ो हमें पासी ना, हमार द्वारा हतोबा समय शेष, अर्थात ये पथ के सर आसे ही भलो तुम्हार ये मन है। क्योंकि देखो बंधुरा, तुम्हें हाथ जोर कर बोलो जो यार तुम्हार मन करार को कारण नहीं, कारण रानिंग एक प्रैक्टिस वाला तुम्हार तुलन बयसे छोटो अवस्था प्रैक्टिसा शुरू कर आज के अवस्था चले तो तुम एक देरी शुरू कर लेकिन भूल किच्छू ना। तुम्हें जी प्रपार प्रैक्टिस करो, तुम जो रुटीन एक फलो करते पर तुम्हें क्योंकि खूब सहजे से 16 मीटर 5 किलोमीटर तुम जेटाई दौड़ाओ ना क्या तुम्हें क्योंकि कमप्लीट करते पर तुम्हें एक प्रैक्टिस और किस ट्रिक्स फलो करते हैं बंधुरा आजकल भिडियो। तो देखो हमें तुम्हें 4 मास रुटीन देव, तुम्हें जी 4 मास रुटीन फलो करो तुम्हें क्योंकि खूब सहजे से 16 मीटर जेटा बल्लम 5 किलोमीटर रान क्योंकि तुम कमप्लीट करते हैं 5 किलोमीटर निजे ही रुटीन दी क्योंकि तुम खूब सहजे 16 मीटर तुम्हारा कमप्लीट हो जाए। तो देखो तुम्हें एक जन एज ए बिगिनार तुम आसो, तुम्हारे तुम किच्छू जा तुम्हार मध्य भेतरे तुम्हार किच्छू नहीं, तुम कोई दौड़ाओ नहीं, तुम्हें प्रथम 1 मास मीठा कदम दौड़ते हैं और स्लोलि दौड़ते हैं मोटामुटी 3-4 किलोमीटर तुम्हें 1 मास ये तुम्हें रानिंग कर दीते हैं। हाँ, तुम्हें मोटामुटी 1-2 सप्ताह प्रथम 1-2 सप्ताह तुम मास रास्ता गए झेड़े देवे, हमें जी तुम्हें झेड़े देवे कारण तुम भेतर तक सपोर्ट करा, तुम दौड़ा क्यों एट स्वाभाविक तुम्हें झेड़े देवे, क्योंकि तुम्हें झेड़े देवाटा क्योंकि तुम कन्टिन्यू करते मैंने तुम्हें पर दिन आबार मठे आसते हो, पर दिन आबार तुम्हें रास्ते दौड़ो मठे दौड़ो जखने दौड़ो ना क्यों तुम्हें आबार आसते हो जो तुम्हें दौड़ा प्रथम 1-2 सप्ताह तुम झेड़े देवे ठीक है जी तर तुम्हें आबार तुम हाल छाड़े ना तुम पर आबार तुम मठे आसो बा रास्ते तुम दौड़ा जखने दौड़ो ना क्यों तुम्हें आसले आसार पर तुम जी प्रथम 1 मास स्लोलि मीटा कदम तुम दौड़ाओ तुम्हें जो 2 नम्बर मासे एंटार कर तुम्हार मध्य एक एनार्जी बुस्टार हो तुम्हार मन हो एक एक्सिलारेट करी तक तुम एकटू एक्सिलारेट करते पर जी तुम्हार भेतर थे साए दे तक तुम चाहले तुम्हार ड्यूरेशन बढ़ाते पर तुम मैं पथटा तुम एक बढ़ाते पर तुम 2 किलोमीटर जगह तक तुम 4 किलोमीटर दौड़ो ए स्लोलि दौड़ो तुम प्रथम स्लोलि 6 किलोमीटर पर्यंत प्रैक्टिस करो तुम्हार आशा करो 2 मास लागे एकदम स्लोलि दौड़ाते 6 किलोमीटर आशा करो तुम्हार भेतर थे सपोर्ट करो कारण तुम 1 किलोमीटर मैं प्रथम 1 मासे तो तुम्हार मध्य एक फिटनेस तो तैरि हो गए एक भेतर थे स्टेमिना बिल्डअप हो गए तो तुम्हें एत चिंता करते हैं तुम्हारे भेतर थे अटोमेटिकली सपोर्ट करो शुदुम्र तुम्हार मन जोर लागे जो पब ओरा जी पर हमें पब ये अस्वाभाविक किच्छू ना जेटा एम ना तुम्हें मिचेल स्टार्कर बल मोकबिला करते बीजे ब्रिसबेन पीछे गए 150 किलोमीटर गतिर बल तुम मोकबिला करो ये एम कठिन काज ना ये जस्ट दौड़ानो तुम्हें जो चाओ तुम पर तो बल्कि 2 मास तुम 4 किलोमीटर दौड़े मैं 2 नम्बर मासे तुम 4 किलोमीटर एंटार कर 3 नम्बर मासे तुम जो 6 किलोमीटर तुम एंटार कर तक तुम देखो तुम्हार मध्य आगे थके अनेकटा तुम इम्प्रूव करेछो तुम्हार निजे भेतर थेके फील होबे जेटा आमी पारबो ए फिलिंगटा बंधुरा आना खूब जरूरी। तुम्हें जखन भेतर थेके कोनो जिनिस मने करबे जे आमी पारबो सेटा कोनो शक्ति नेई तोमाके सेई कास्टटाके ठेकाय जे तुमि सेखाने गिये ब्यर्थ होबे केउ पारबे ना तोमाके सेई सफल होवा थेके आटकाते तो तोमार एटा भेतर थेके फील करते होबे। तुमि जेदिन प्रथम माठे आसबे तोमार सेदिन एकदम फिजिकल स्टैंडार्ड लो थाकबे तुम्हें तबु मन करते पारबो आमार द्वारा सम्भव एवं तुम्हें जो तीन मासे रुटीन तुम जो फलो कर फेलो तक तुम्हारे धारणा तुम्हार मध्य दृढ़ जो ना हमें तो पार्बई तो जिनिसटा तुम्हें फलो करते हैं। देखो बंधुरा, आज के तुम्हार सामने बसे तुम्हार सामने दाड़िए हमें किस ज्ञान दीची मैं हमें जो जगहटे इसमें क्योंकि को दिन स्कूल लाइफे को पुरस्कार जीतनी हमें एकदम ही को भलो राना छा से प्रसेसटा मेनटेन कर आज के जगह इसी ऊपरवाल्ला दयाते हमें ट्रेनिंग सेंटारे प्रत्येक रानिंग एक्सामगुलो हतो से एक्सामे क्योंकि एक्सिलेंट टाइमे क्योंकि एंटार कर
তো এটা সম্পূর্ণ নিজের উপরে, নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি পারবো। তুমি যখন নিজেকে বিশ্বাস করে পারবো, তোমাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তোমাকে ঠেকাবে। আর বন্ধু, যে ট্রিক্স যেটা আমি বললাম, সেই ট্রিক্সটা ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তুমি যখন দৌড়াবে, তুমি যখন লং রান দৌড়াবে, তোমার টোটা তুমি ফেলার চেষ্টা করবে, তোমার কোনো ফ্ল্যাট ফুট ফেলবে না। ফ্ল্যাট ফুট ফেললে কিন্তু আমাদের রানিংয়ে, যে আমি যখন দৌড়াবো তখন কিন্তু আমার এই মানে কাঙ্ক্ষিত স্পিডটা আসবে না। তো ফ্ল্যাট ফুট ফেলা যাবে না, যতটা সম্ভব একদম তো তোর উপর ভূতের মতো করে হেঁটে যাওয়া হবে, সেটা তো না। যে তুমি চেষ্টা করবে যে তোমার অধিকাংশ দেহের যে ভারটা, তোমার মানে পায়ের যে সামনের পোর্শনটা আছে, সামনের পোর্শনে দিতে, সামনের পোর্শন তুমি যদি দিতে পারো, তোমাকে কিন্তু পরবর্তী তুমি স্টেপে আসবে, তোমাকে কিন্তু সেই পায়ে কিন্তু তোমাকে অটোমেটিক্যালি ঠেলবে যে তুমি সামনের স্টেপে কিন্তু এগিয়ে যাও। আর তুমি যদি ফ্ল্যাট ফুট ফেলো, সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু পুরো শক্তি দিয়ে পাটাকে তুলতে হবে, সেক্ষেত্রে তোমার এনার্জি কিন্তু লস হবে এবং তোমার রানের স্পিডও কিন্তু কমে যাবে। তো এটা একটা প্র্যাকটিস বলা চলে। আবার অনেকে একটা বলে হচ্ছে গিয়ে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়া যাবে না, এটা ম্যান টু ম্যান ভেরি করে, এটা সম্পর্কে আমি তোমাকে কিছু বলবো না। আমি কোনোদিন নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে পারি না, আমাকে রানিংয়ের সময় মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে হয়। তো এটা আমি তোমাকে, তুমি ফলো করতে পারো, তুমি দেখবে তোমার কোনটা সুবিধা হয়। এরপর যেটা বন্ধুরা, খাওয়া দাওয়া রানিংয়ে আসার আগে তুমি সকালবেলা ফ্রেশ হওয়ার পর তুমি রানিং যখন করতে আসবে, তুমি কিছু পেটে দিয়ে আসবে এবং যেটা তুমি ইচ্ছা তোমার ভালো লাগে চিড়ামুড়ি তুমি খেয়ে আসবে। এবং তুমি যখন রান করে যাবে, গিয়ে তুমি দুটো কলা, একটা ডিম সিদ্ধ এবং ড্রাই ফ্রুটস খাবে, আলমন্ড, কাজু, কিশমিশ কিন্তু বন্ধুরা তুমি এগুলো খাবে, এগুলো তোমাকে ভিতর থেকে কিন্তু এনার্জি বুস্ট আপ করাবে। এবং আরেকটা ব্যাপার তোমাকে আমি বলি, তুমি যখন দু নম্বর মাসে বা তিন নম্বর মাসে এন্টার করবে, তুমি তখন দুবেলা প্র্যাকটিস করা শুরু করবে, মানে সকালে একবেলা এবং বিকালে একবেলা। তো তুমি যদি দুবেলা প্র্যাকটিস করো, তোমার চার মাসের মধ্যে কোনো ব্যাপারই না রানটাকে তোমার গ্রিপে নিয়ে আসা। এবং আমি তো বললাম, তুমি যদি নিজের থেকে বিশ্বাস করতে পারো যে আমি পারবো, তোমাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তোমাকে আটকায়। তো এই ট্রিক্সগুলো এবং এই মানে রুটিনটা তুমি একটু মেনটেন করো, আশা করি তুমি পারবে। এবং তোমাদের যদি আরও কোনো কোশ্চেন থাকে, আমি আরও এক্সট্রা ভিডিও বানিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। রানিংয়ের আগে কী কী তোমাকে ওয়ার্ম আপ করতে হবে, রানিংয়ের পরে এসে তুমি কী কী ওয়ার্ম আপ করবে, আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। আজকে যদি দেখাই তাহলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হবে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আমার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ লিঙ্ক এবং ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা ফলো করলে আমি খুশি হব। আর বন্ধুরা, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। জয় হিন্দ।